हो जा रहा है, टीवी चल रही तो मेरा फेस पूरा ब्लैक आ रहा है। यस मैम, स्क्रीन इज बीइंग शेयर्ड। ओके मैम, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, योर स्क्रीन इज विजिबल एंड यू आर आल्सो। ओके, थैंक यू सो मच। सो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का सेशन फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स है। तो 30 डेज के इस प्रोग्राम में, 30 दिवसीय कंप्यूटर प्रशिक्षण के इस प्रोग्राम में, जो कि SCERT की एक इनिशिएटिव है, एक प्रोग्राम है, इसमें हमारा पहला चैप्टर है आज का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके बेसिक कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले चलिए हम समझ लेते हैं कि हमारे इस सत्र के आउटकम्स क्या क्या होंगे। पहले सत्र के जो हमारे आउटकम्स हैं वो है कंप्यूटर की परिभाषा एवं उसके उद्देश्य बता पाएंगे, कंप्यूटर के मुख्य काम बता पाएंगे, इनपुट डिवाइस एवं आउटपुट डिवाइस उदाहरण सहित बता पाएंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के यूनिट एवं कार्य बता पाएंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के बारे में बता पाएंगे एवं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बता पाएंगे। इन सभी आउटकम्स को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है, यानी कंप्यूटर स्वतः कुछ नहीं करता, उसे कोई भी कार्य करने के लिए निर्देशों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर देखा जाए तो कंप्यूटर स्वतः ऑन भी नहीं हो पाता है, उसे ऑन होने के लिए भी कुछ तय किए गए निर्देश होते हैं जो उसके सॉफ्टवेयर में पहले से होते हैं, जिसकी वजह से वो ऑन हो पाता है। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन शब्द कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना।
सबसे पहले कंप्यूटर की का जो आविष्कार हुआ था वो गणना करने के उद्देश्य से ही हुआ था। इसके मुख्यतः तीन काम है, डेटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं, डेटा के ऊपर कार्य करना यानी प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस डेटा को दिखाना यानी आउटपुट जिसे हम आउटपुट कहते हैं या रिजल्ट कहते हैं। आपको अपने इस कॉर्नर पे एक छोटा सा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें सबसे पहले जो बॉक्स है उसमें लिखा है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की मदद से हम डेटा की एंट्री करते हैं, फिर ये पूरा जो डेटा है हमारा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, देन मेमोरी यूनिट। ये तीनों यूनिट वन बाय वन काम करते हैं और देन हमारा रिजल्ट आउटपुट डिवाइस में जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम आईपीओ साइकिल कहते हैं यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। इसे हम धीरे धीरे वन बाय वन समझेंगे आगे के चरणों में। बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, अगर आप ध्यान दें और हमारे रोजमर्रा के जीवन में देखें तो कंप्यूटर्स के जो एप्लीकेशन है वो हम रेगुलर के अपने कार्यक्रम में यूज करते हैं। जैसे हमें किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, तो हम वहाँ पे अपने कंप्यूटर्स का, मोबाइल का, लैपटॉप का यूज़ करते हैं। ई कॉमर्स यानी बैंकिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम आज के टाइम में देखें तो कंप्यूटर की बहुत बड़ी महत्ता है। ऑनलाइन क्लासेस जो हमारे बच्चों की चल रही है या जो हम कंडक्ट कराते हैं, हम जो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, ये सब एक कंप्यूटर के माध्यम से ही संभव हो सका है। मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर आप देखें तो वहाँ कंप्यूटर की अपनी महत्ता है। साइंस में, एंटरटेनमेंट में, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन, मतलब अगर हम देखें तो प्रतिदिन हम कंप्यूटर के कार्यों से घिरे हुए हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स में हम समझते हैं इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कैसे बनाया गया है। सबसे पहले अगर हम इसको कंप्यूटर को कंपोनेंट्स में बांटें तो हम दो में बांट सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को अगर मोटी मोटी भाषा में हम समझें तो हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिसमें पहला है हमारा इनपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, टच पैड, माइक्रोफोन, इवन हमारे फोन के जो टच स्क्रीन होती है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइसेस को हम, जैसे हमने पहले भी बताया कि हम डेटा को एंट्री करने के लिए, डेटा फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा आउटपुट डिवाइसेस, किए गए कार्य को हम जिस तरह भी प्रदर्शित कर पा रहे हैं, यानी अपने सीआरटी पे, एलसीडी पे, प्रिंटर पे, प्रोजेक्टर पे, प्लॉटर्स पे या स्पीकर्स पे, वो सभी हमारे आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। हम अगर प्रोजेक्टर पे कोई स्क्रीन चला रहे हैं तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, या हम अपने मोबाइल पे कुछ देख पा रहे हैं तो वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। देन आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, यानी हमारा पूरा सिस्टम सीपीयू के माध्यम से ही चलता है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीन भाग हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। जितने भी हमारे तार्किक कार्य होते हैं, जैसे मैथमेटिकल गणना करना या हम जिसमें तर्क लगाते हैं, लॉजिक्स लगाते हैं, वो सभी कार्य हमारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं। कंट्रोल यूनिट का ये कार्य होता है कि जो भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं या जो कार्य या कमांड हम दर्ज कर रहे हैं उन्हें वो प्रदर्शित करता है, उनकी प्रकृति को या नेचर को समझता है कि कहाँ भेजना है, तो कंट्रोल यूनिट उसको ALU में, अर्थमेटिक में या लॉजिक यूनिट में भेजता है प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग के बाद ये पूरा जो डेटा होता है वो मेमोरी यूनिट में जाता है और हमारे प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता रहता है जब तक उस पर कार्य होता है। फिर कंट्रोल यूनिट का ही ये कार्य होता है कि वो हमारे रिजल्ट को आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाता है, और आउटपुट डिवाइसेस में हम अपने रिजल्ट्स को प्रिंट कर पाते हैं या देख पाते हैं और सुन पाते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो हम तीन तरह के स्टोरेज यूज करते हैं, दैट इज प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। इस मेमोरी को हम वन बाय वन आगे के चरणों में और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मेमोरी यूनिट में कुछ हमारी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, कुछ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कुछ ऐसी मेमोरीज होती हैं जो स्वतः डिलीट हो जाती हैं काम करने के पश्चात, और कुछ मेमोरी हमारी ऐसी होती है जिनमें हम अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीनों भाग। आइए अब इसके पश्चात हम समझते हैं हमारे सॉफ्टवेयर्स। किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। जैसे हम लोग विंडोज 10 यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते हैं, लोगो बनाने के लिए कोरल ड्रॉ यूज करते हैं, या हम फ्लैश प्लेयर का यूज करते हैं, VLCs का यूज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनका इस्तेमाल हम अपने कार्यों के लिए करते हैं।
सॉफ्टवेयर को हम अपने दूसरे भाग के आज के सेशन में समझेंगे। आइए हम इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को और आउटपुट यूनिट को एक सिस्टम के रूप में समझते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत सारे ऑर्गन्स के बेसिस पे चलता है। सभी ऑर्गन्स मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। ठीक उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं और जिसे हम संपूर्ण रूप से हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं। इसे हम पूर्णतः चार भाग में डिवाइड कर सकते हैं, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के बारे में हमने अभी बात करी कि जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनका प्रयोग हम सिस्टम में डेटा या कमांड दर्ज करने में करते हैं वो सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब डेटा हमारे कौन कौन से फॉर्म में हो सकते हैं? डेटा हमारे शब्दों के फॉर्म में हो सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, कमांड्स के फॉर्म में हो सकते हैं और इन सभी डेटास को प्रोसेस कहा कर रहा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। इनपुट डिवाइसेस का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर में डेटा को निर्देशित करना और कमांड्स देना, जिसके लिए हम जैसे अगर हम कंप्यूटर में जो हमारा कीबोर्ड है उसको अगर उदाहरण के तौर पर लेके चलें तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम डेटा मतलब नंबर्स या लेटर्स दोनों ही एंटर कर पाते हैं। और इनपुट डिवाइसेस का एक और उदाहरण हमारा माउस भी है। माउस की सहायता से हम दिशा और आदेशों को दर्ज कराते हैं। तो ये दोनों ही कंपोनेंट्स आपस में मिलकर एक कार्य कर रहे हैं इनपुट को दर्ज कराने में। इनपुट यूनिट के और भी कई सारे उदाहरण हैं, जैसे बारकोड रीडर है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर्स हैं, ऑप्टिकल करेक्ट रीडर्स हैं। इनपुट उपकरणों का उपयोग में हमने अभी इससे पहले भी बात करी थी कि हमारे जो मोबाइल फोन का टच स्क्रीन है या जो हम एटीएम मशीन यूज करते हैं जो उसका टच स्क्रीन है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। आउटपुट यूनिट की बात करेंगे, इनपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण हमारे देखिए कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइसेस, रिमोट कंट्रोल, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक्स टैबलेट, लाइट पेन, माइक्रोफोन या डिजिटल कैमरा, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि हमारा पूरा प्रोसेसिंग पूरा कार्य इसी यूनिट में होता है। कोई यूजर जब डेटा और आदेश देने के बाद एक कंप्यूटर सिस्टम को अपने निर्देशों के अनुसार इसे संसाधित करना होता है। यूजर अपने एंड से इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से जो डेटा या कमांड दर्ज करता है उसी की बेसिस पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उस पर कार्य करता है। अब ये इस पर डिपेंड करता है कि वो किस यूनिट में जाके कार्य करेगा। पहला यूनिट है हमारा मेमोरी यूनिट। जब एक उपयोगकर्ता इनपुट डिवाइसेस का यूज करके डेटा एंटर करता है तो कंप्यूटर सिस्टम इस डेटा को अपनी मेमोरी यूनिट में सेव कर लेता है। अब यह डेटा कंप्यूटर में इस घटक में तब तक रहेगा जब तक यहाँ पूरा प्रोसेसिंग नहीं हो जाता है। डेटा को प्रसारित करने के लिए पहले से दिए हुए निर्देशों के सेट पर कार्य करती है। जैसे कि हमने बात करी थी कि सिस्टम को ऑन होने के लिए भी कमांड्स की जरूरत पड़ती है। सीपीयू दर्ज होते हैं। हमारा दूसरा यूनिट है अंकगणित और तर्क इकाई यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यह भाग हमारा जितनी भी गणितीय गणनाएं करना है जैसे जोड़ घटाव विभाजन गुणन, इसके अलावा डेटा की तुलना, जैसे हम कई बार होता है कि हम तार्किक कमांड्स का भी यूज करते हैं, इफ और एल्स जैसे कमांड्स यूज करते हैं, तो इस प्रकार के ये सभी कार्य हमारे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट में होते हैं। फिर हमारा आता है कंट्रोल यूनिट। जिस प्रकार हम सीपीयू को कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट बोलते हैं उसी प्रकार हम कंट्रोल यूनिट को सीपीयू की स्पाइन बोलते हैं यानी रीढ़ बोलते हैं। ये कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों के बीच में एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सबको जोड़ के कार्य करती है। नियंत्रण इकाई इनपुट इकाइयों से डेटा एकत्र करती है और इसे इसके नेचर के हिसाब से यानी जिस भी प्रोसेसिंग यूनिट में इसे जाना है उसे वहां भेजती है और प्रोसेस होने के बाद यूजर्स के लिए जो हमारा प्रोसेस डेटा है यानी जो हमारा रिजल्ट है उसको आउटपुट यूनिट तक भी यही पहुंचाती है। फिर हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट की। कंप्यूटर सिस्टम का ये जो हमारा घटक है आउटपुट यूनिट यानी जब हमारा डेटा प्रोसेस्ड होने के बाद एक रिजल्ट के रूप में परिवर्तित होता है या शो करने लगता है जिसे ह्यूमन समझ सके या हम समझ सकते हैं उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं।
आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण में मॉनिटर, स्क्रीन, प्रिंटर और स्पीकर आदि शामिल हैं। इसी प्रकार आउटपुट इकाई मूल रूप से उपयोगकर्ताओं द्वारा लाभ के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रारूपित डेटा को पुनः पेश करती है, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी हम डेटा डस करते हैं उस पर प्रोसेस होने के बाद, चाहे वो हमारा एक वीडियो के फॉर्म में दिख रहा हो या न्यूमेरिक रिजल्ट के रूप में दिख रहा हो या शाब्दिक रिजल्ट के रूप में दिख रहा हो, वो हमारा आउटपुट होता है और आउटपुट यूनिट पे दिखता है। इसको हम आउटपुट यूनिट की सहायता से या डिवाइसेस की सहायता से हम प्रिंट भी कर सकते हैं या डायरेक्ट देख भी सकते हैं। हमारे आउटपुट डिवाइसेस के कुछ उदाहरण हैं सीआरटी मॉनिटर, जैसे कि आपने देखा होगा मेडिकल हॉस्पिटल्स में कई जगह आपने इसका यूज देखा होगा। देन हमारे टीएफटी मॉनिटर्स हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो आज का हमारा टेलीविजन भी एक टीएफटी मॉनिटर जैसा ही है। लेजर प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, प्लॉटर्स हैं जिससे हम फ्लैक्स बोर्ड जैसे फ्लैक्सेस बनवाते हैं, बैनर्स बनवाते हैं, प्लॉटर्स हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स हैं जिनका यूज हम स्मार्ट क्लासेस के लिए करते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट को समझते हैं। कंप्यूटर मॉनिटर जो होता है, मॉनिटर हमारा, जिसको हम डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस है। इसमें मॉनिटर में जो हमारी डिवाइस यूनिट होती है या जो लेयर होती है उसे हम टीएफटी बोलते हैं, यानी ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं। और पुराने मॉनिटर्स में जैसे हम आप अगर पहले की जिन्होंने सिस्टम चलाया हो और डेस्कटॉप पे काम करा हो तो अगर वो मॉनिटर्स याद है तो उनमें हम कैथोड रे ट्यूब का यूज करते थे, पर आजकल हम इसमें ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको हम टीएफटी या एलसीडी बोलते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जो हमारे पहले के मॉनिटर बनते थे कैथोड रे ट्यूब से, वो अब चेंज होके हमारे लिक्विड क्रिस्टल में डिस्प्ले में तब्दील हो चुके हैं। कंप्यूटर मॉनिटर का इस्तेमाल हम डेटा प्रोसेसिंग और टेलीविजन रिसीवर दोनों के लिए करने लगे हैं। अगर आप हमारे पहले के दशक के लोग बता सकते हैं, जब आप कंप्यूटर का जो यूज़ करते थे वो केवल वो अपने कार्यों के लिए किया जाता था, या टीवी का यूज़ हम केवल मनोरंजन के लिए करते थे। लेकिन अगर हम आज के युग में देखें तो हमारे टेलीविजन और कंप्यूटर दोनों का ही उपयोग बदल चुका है। हम अपने लैपटॉप्स पे आज के डेट में सभी मनोरंजन के कार्य कर सकते हैं, अपने फिल्म देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, और हमारे टीवी पे हम अपने सिस्टम को अटैच करके हम उस पर अपने जो भी हमारे कार्य हैं रेगुलर बेसिस के वो हम कार्य कर सकते हैं, अपना ऑफिस चला सकते हैं उस पर। तो हमारे टीवी का और सिस्टम का जो यूज़ है वो एक क्रांति के बाद बदल चुका है। पहले के टेलीविजन और कंप्यूटर का जो अनुपात होता था वो 4:3 का होता था, जो कि अब 60:9 का हो गया, यानी 16:9 का अनुपात में हो गया है, यानी कि एक वाइड स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा, निर्देश और परिणामों को संग्रहित कर भंडारित करना मेमोरी कहलाता है। अगर आप देखें तो हम अपनी सभी रोजमर्रा की चीजों को याद करने के लिए अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर को सभी निर्देशों को, डेटा को या रिजल्ट्स को याद करने के लिए मेमोरी यूनिट की जरूरत पड़ती है, जिसे हम कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है और जरूरत पड़ने पर उसे कंप्यूटर को उपलब्ध कराती है। मेमोरी को अगर हम समझें तो ये छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड होती है, जिसके हम भाग को हम सेल कहते हैं। हर सेल की अपनी एक अलग पहचान होती है, इसका एक अलग एड्रेस या पाथ होता है, और अगर हम देखें तो ये डेटा हमारे बाइनरी डिजिट्स में सेव होते हैं। कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो बाइनरी डिजिट्स की होती है, यानी 0 और 1 दो नंबर्स में ही पूरा का पूरा डेटा इनके पास सेव होता है। कंप्यूटर डेटा को स्थाई और अस्थाई रूप में सेव किया जाता है, जैसे हमने बात करी थी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी की। इसको स्मृति के हिसाब से इस्तेमाल करने के लिए हम वर्गीकृत करते हैं कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब जो हमारी कैशे मेमोरी है वो क्या है? ये जो हमारी मेमोरी है ये बहुत ही तेज होती है। इस मेमोरी में अधिकतर फ्रिक्वेंटली काम में आने वाली चीजें जो होती है उन्हें उस प्रोग्राम को या उन कमांड्स को हम सेव रखते हैं, जिससे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कार्य करने में टाइम ना लगे। अगर हम देखें, अगर हम एग्जांपल लें, जब हम वर्ड में काम करते हैं तो हम कॉपी पेस्ट का बहुत यूज करते हैं या अंडू का, रीडू का बहुत यूज करते हैं। तो होता क्या है कि हमने जो पूर्व में काम किए गए हैं, अगर सपोज हमने कुछ टाइप करा फिर इसको कट करके दूसरा कुछ टाइप कर, लेकिन हमको लगा नहीं पहले वाला ही सही था, तो हम तुरंत अंडू का बटन दबा देते हैं, तो वो हमारा जो पूर्व में किया गया कार्य है वो तुरंत आ जाता है। तो इस तरीके का काम करने से क्या होता है, हमारा टाइम बचता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को तेजी से कार्य करने में हेल्प मिलती है।
कैशे मेमोरी जो होती है वो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है, यानी सीपीयू से पहले ही कैशे मेमोरी में स्टोर डेटा और निर्देश प्राप्त कर लेता है, तभी इसके जो हमारे रिपीटेशन ऑफ वर्क है वो बच जाता है, यानी हमें कई बार कार्य नहीं करना पड़ता, वो हमारा सेव हो जाता है। कैशे मेमोरी इन डेटा और जो हमारे कमांड्स है उनको ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है, जिसमें सीपीयू द्वारा इसको यूज किया जाता है और एक प्रोसेसिंग यूनिट में इसका कार्य होता है। कैशे मेमोरी की एक स्टोर कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसे हमें क्लीन करना बार बार, लेकिन इसका काम नहीं होता, सिस्टम इसको अपने आप क्लीन करता रहता है। फिर हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को ही हम बेसिकली मेन मेमोरी कहते हैं या अस्थाई मेमोरी कहते हैं, यानी वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंटली सेम नहीं होता, इसमें डेटा और निर्देश दोनों प्राप्त होते हैं और प्रोसेस करने के बाद इसको सुरक्षित रखा जाता है। प्राथमिक मेमोरी में वर्तमान में जो कार्य हम कर रहे हैं, जो भी हम निर्देश दे रहे हैं या जो डेटा सेव कर रहे हैं, वो हमारा अस्थायी होता है। जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाता है या प्रोसेसिंग का काम खत्म हो जाता है, वैसे ही ये डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है और जो भी नेक्स्ट काम हम करने जा रहे होते हैं उसका डेटा स्टोर हो जाता है। तो ये एक अपने आप में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कंप्यूटर खुद ब खुद करता रहता है उसको। जैसे कि अगर आप हमें ध्यान, अगर हम कुछ कार्य करते हैं सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर और कंप्यूटर ऑफ हो गया तो हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो सेव रह जाती हैं, कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। तो सेम वैसे ही है, जैसे हम प्रेजेंट में जो कार्य कर रहे हैं वो उतना डेटा तो सेव रखता है, लेकिन उसके बाद वो नए काम करने के लिए प्रीवियस डेटा को डिलीट करते जाता है। तो ये एक सिस्टम का अपना खुद का कार्य है। प्राइमरी मेमोरी को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज रैम एंड रोम। रैम इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद होता है रोम, जिसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी ये एक ना मिटने वाली मेमोरी है और इसे हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी, इसे हम एक्सटर्नल या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आप सभी अपने डेटास को, अपने इंफॉर्मेशंस को, अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्लैश है, पहले हम फ्लॉपी डिस्क का बहुत यूज करते थे, जिप डिस्क का यूज करते थे, सीडी है, डीवीडीज हैं, स्टोरेज टेप है, जो हमारे हार्ड डिस्क आती हैं, माइक्रो ड्राइव है, या हमारे फ़ोन के जो मेमोरी स्टिक हैं और आपके जो यूएसबी हैं, ये सभी हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो हमारा डेटा होता है वो परमानेंट सेव हो जाता है और उसका यूज हम कभी भी कर सकते हैं। ये सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इससे हार्ड डिस्क की कैपेसिटी आज हमारे पास 1 TB में भी हो चुकी है। तो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस में जितनी ज़्यादा हम एक्सटर्नल डिवाइसेस रखते हैं, हमारी स्टोरेज कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स की। हमने पहले बात करी कि कंप्यूटर में जो डेटा हमारा सेव होता है वो बाइनरी डिजिट्स में सेव होता है। ये कंप्यूटर की अपनी भाषा है जिसे हम ह्यूमंस नहीं समझ सकते, लेकिन ये सभी डेटा जो है 0 और 1 के रूप में सेव होती है और ये एक पूरा एक सेट होता है जो सेव होता है और ये 8 बिट या 8 डिजिट से बनता है। तो ये 8 बिट जैसे एक पैटर्न हमारा बन गया, सब आपको अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल दिख रहा होगा, 100011001, ये 8 का हमारा एक सेट है। तो ये 8 बिट हो गया जिसे हम 1 बाइट के बराबर मानते हैं। तो कंप्यूटर के जो मेमोरी यूनिट्स हैं वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट बिट या 1 से चलती है, इसे हम 8 बिट कह लें या 1 बाइट। 4 बिट का स्मॉलेस्ट माना जाए तो 4 बिट का हम 1 निबल मानते हैं और 2 निबल या 8 बिट का हम 1 बाइट मानते हैं। आप जैसे देखते हैं जब हम लोग पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना, बोलते हैं 8 GB की पेन ड्राइव है, या अपने आपके मोबाइल की कैपेसिटी कितनी है तो 32 GB की है, 128 GB की है। तो वॉट इज दिस GB, गीगाबाइट, ये हमारे उसकी मेमोरी यूनिट है। हम इसी मेमोरी यूनिट के बारे में बात करते हैं। अगर ये देखा जाए कि हम 1024 का 1 KB बनाते हैं और सामान्य तौर पे हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं 1000 किलोमीटर है, तो वाई नॉट 1000 बाइट का 1 KB क्यों नहीं है। तो अगर आप इसके एग्जांपल्स को देखें तो हम 8 बिट की बात कर रहे हैं, यानी ये 1 2 के गुणक में जा रहा है। तो अगर आप गुणक में जाएंगे इसके गुणक करते हुए 2 × 2 × 2 और जो नियरेस्ट आप 1000 में पहुंचेंगे तो ये हमारा 1024 पहुंचता है, इसलिए हम 1024 को 1 KB के इक्वल मानते हैं। इसी के रेपिटेटिव में 1000 KB का 1 MB, 1000 MB का 1 GB, 1000 GB का 1 TB और 1000 TB का 1 PB।
ये हमारे आज के फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से कुछ बेसिक चीजें थी जिसे समझाने का मैंने प्रयास करा है। और असाइनमेंट के तौर पे मैं चाहूंगी कि एक छोटा सा टेस्ट आप लोग अपने साथ खुद करें कि आप जो अपने सिस्टम पे, अपने ऑफिस में या अपने घर पे कंप्यूटर टेबल है जिसका यूज करते हैं, तो आपको बहुत सारे डिवाइसेस दिखाई देती हैं, या आपके घर में भी आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिखाई दे रही हैं। तो वो आप उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पहले लिस्ट बनाइए और उसके बाद उन्हें इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के हिसाब से वर्गीकृत करिए। आपको इसको टेस्ट करके देखिए क्या आप इनको क्लासिफाइड कर पा रहे हैं कि कौन से हमारे इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं और कौन से आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल हैं। देन आफ्टर सेकेंडरी मेमोरी यानी जो एक्सटर्नल मेमोरी की हमने बात करी कि एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, तो क्या आप इसे डिफाइन कर पा रहे हैं, तो इनके उदाहरण भी लिखिए। एससीईआरटी द्वारा आयोजित इस 30 दिवसीय प्रोग्राम के द्वितीय दिवस के प्रथम चरण में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स का ये सेशन मैं यहाँ समाप्त करते हुए अपने नेक्स्ट सेशन के लिए सदफ कौशल मैम को इनवाइट करती हूँ। मोस्ट वेलकम सदफ मैम, ओवर टू यू नाउ। थैंक यू मैम। सभी अध्यापकों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल का दूसरा सेशन पढ़ेंगे। मेरी स्क्रीन शेयर हो तो बताइएगा मैम। आ रहे हैं मैम स्क्रीन? ओके मैम। तो आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग आते हैं हमारे सेशन के सेकंड फेज पे। अभी मैम ने आप लोगों को कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक चीज़ें बताई हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स के इनपुट और बहुत सारी चीज़ें। तो उसमें आगे हम लोग जानेंगे कि जो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं उसको हम कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस सेशन के बाद आप क्या क्या चीज़ें जान जाएंगे। आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अवधारणा को समझ जाएंगे। आप लोग कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप के जो विभिन्न पोर्ट होते हैं और उनको कैसे कनेक्ट करते हैं ये आप जान जाएंगे। आप लोग जितने भी सहयोगी हार्डवेयर होते हैं, जो प्रोजेक्टर्स होते हैं, उनके भागों को और केबल्स को जान जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइए ये जानते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट होते हैं। कोई भी सिस्टम जो होता है वो बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो हर सिस्टम की जो इकाइयां होती हैं, उसी तरह कंप्यूटर की जो मेन इकाइयां हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम यहाँ सबसे पहले आपको बताते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। अभी जैसा मैम ने बताया था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, तो वो सारी डिवाइसेस जो आपको फिजिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ दिखती हैं, आप जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, यानी कंप्यूटर सिस्टम के जो भी भौतिक भाग होते हैं, वो सभी के सभी हार्डवेयर कहे जाते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर का कैबिनेट केस हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, रैम है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू है, जो आपके सीपीयू में एसएमपीएस लगा होता है, जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर इसलिए क्योंकि ये भौतिक घटक है, इनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और सामने से ये चीज़ें आपको दिखती हैं। तो ये सभी हमारे हार्डवेयर के प्रकार में आते हैं। जैसे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, हमारे डेस्कटॉप का मॉनिटर हो गया, हमारी जो टीवी होती है, वो सब हमारे क्या है, हार्डवेयर हैं। आते हैं हम सॉफ्टवेयर पे। तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जैसे हार्डवेयर को तो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज होती है जिसे हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम महसूस करते हैं कि वो चल रहा है। ये किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है, वही इंस्ट्रक्शन को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये एक तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनका यूज करके हम अपने कंप्यूटर को चलाते हैं, और हमारे जो रिटेन इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन्हीं को सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो भागों में बटे हुए हैं। एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है, जितने भी हमारे हार्डवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके संचालन के लिए किया जाता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे किसी भी डिवाइस, चाहे हमारा मोबाइल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, उसके बैकग्राउंड पे हमेशा चलते रहते हैं। और यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे फोरग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको चलाने की अनुमति देते हैं। जैसे हमारे जितनी भी सीपीयू हो गए, मेमोरी, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन सबको गवर्न करते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम चार भागों में बांटते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सभी लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सुना होगा कि हमारा, जैसे आप लोगों ने सुना है विंडोज, अभी हम लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं, आईओएस है, एप्पल है, तो ये सारे जो नाम आप सुनते हैं वो सभी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो आपके हार्डवेयर को ऑपरेट करता है, आपके हार्डवेयर को चलाता है।
कोई भी डिवाइस हो, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, कोई भी हैंडहेल्ड डिवाइस हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना नहीं चल सकती। तो आप जब भी अपना सिस्टम ऑन करते हैं, जैसे लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप हुआ, तो उसमें सबसे पहले स्क्रीन आपको देखती है विंडोज़। तो ये विंडोज़ क्या है? ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जिसपे आप लाइनक्स देखते होंगे, अभी मोबाइल ऑन करते हैं उसमें एंड्रॉयड है आपका, यूनिक्स है, iOS है, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपकी कोई भी डिवाइस काम नहीं करेगी, आपके एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो नहीं चलेंगे। इन्हीं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा दूसरा आता है यूटिलिटी। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को काम करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें चाहिए होती है, उसी तरह जब हमारा सिस्टम काम करता है तो सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हमको कुछ सर्विस प्रोग्राम्स मिलते हैं जिन्हें हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। जैसे सबसे अच्छा आप लोगों ने सुना होगा एंटीवायरस। कभी कभी सिस्टम में कुछ मैलिशियस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमको हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करती हैं, जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर रूप से काम नहीं करता, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं चलता। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम लोग अपने सिस्टम में एंटीवायरस लगाते हैं। उसी तरह से जैसे हम हार्डवेयर डिवाइसेस में अपनी सारी फाइल्स स्टोर करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो डाटा हम रखते हैं तो इट में भी पॉसिबल कि कोई भी हार्डवेयर डिवाइस है वो भी करप्ट हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम डाटा का बैकअप रखते हैं, उसकी रिकवरी करते हैं, हमारे नेटवर्क के जो इश्यूज़ होते हैं उनसे बचने के लिए हम फायरवॉल इस्तेमाल करते हैं, हम अपने सिस्टम में फाइलों को डिलीट करते हैं, तो हमारा जो स्पेस है वो खाली होता रहता है। तो उस जो हमारे हार्ड डिस्क के स्पेस हैं उनको मैनेज करने के लिए डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन किया जाता है, सिस्टम की डायग्नोसिस की जाती है, ताकि टाइम टाइम पे जो भी अननेसेसरी फाइलें हमारे सिस्टम पे मौजूद हैं वो सारी फाइलें हम उनको हटा सके, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर रूप से काम कर सके। तो ये जो यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स होते हैं ये सहायक प्रोग्राम्स होते हैं, और ये कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटी को बनाए रखते हैं, और ये सारे सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक टूल किट के रूप में आते हैं। अब आते हैं हमारा तीसरा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर में जब भी किसी डिवाइस को जोड़ते हैं, जब भी किसी हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, तो हमारे सिस्टम से उस हार्डवेयर डिवाइस के इंट्रैक्शन के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें डिवाइस ड्राइवर कहा जाता है। जैसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जब प्रिंटर लाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। जैसे आपका जो मदरबोर्ड होता है, वो मदरबोर्ड भी जब आपके सिस्टम में लगता है तो उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम में इंस्टॉल होता है। तो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, डिवाइस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उन सभी को हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। और ये ड्राइवर्स जो होते हैं पहले सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, और उसके बाद हमारा जो डिवाइस है वो हमारे सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अभी जैसा मैम ने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी डिजिट्स उन्होंने बताया था 0 और 1। तो हमारा जो मशीन होती है अगर वो 0-1 के फॉर्म में काम करती है, तो हम सभी लोग जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो तो 0-1 के फॉर्म में होता ही नहीं है, वो तो हम इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं, फिर वो सिस्टम कैसे काम करता है? तो अभी जो मैम ने इनपुट यूनिट बताया था, तो उसमें एक हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। उसका काम ये होता है कि हम एज अ यूज़र जो भी इंस्ट्रक्शन सिस्टम को देते हैं उन इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर्स जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहे जाते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में इसलिए आते हैं क्योंकि ये हमारे एंड पे हमको नहीं दिखते हैं, लेकिन ये सिस्टम के एंड पे काम करते हैं। तो हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन हाई लेवल लैंग्वेज में दिया हो या किसी भी लैंग्वेज में दिया हो, ये उसके ट्रांसलेशन का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दो लोग, हम और आप, बात कर रहे हैं तो मुझे भी हिंदी आनी चाहिए, आपको आनी चाहिए, या इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कि हमारे बीच में हम दो लोग बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऐसी भाषा आती है जो हमें नहीं आती, तो उसके लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो हम दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करे कि हमारी भाषा को ट्रांसलेट करके उन्हें समझाए और उनकी भाषा को ट्रांसलेट करके हमें समझाए। तो वैसे ही हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं। तो इनमें आते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। आप लोगों ने शायद, कुछ लोगों ने सुना होगा कि लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल होती हैं, लो लेवल, जैसे सी होती है, सी प्लस प्लस होती है, विजुअल बेसिक होती है। तो जो ये ट्रांसलेटर्स हैं वो लैंग्वेज हाई टू लो के हिसाब से अलग अलग कंपाइलर्स बने हैं जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि असेंबलर हो गया, तो वो बहुत पुरानी एक मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज, उसको ट्रांसलेट करने के लिए बनाया गया है।
तो बेसिकली जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं उनका सिस्टम में काम इतना ही है कि हमारे द्वारा दिए गए इनपुट को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आ रहा है उस आउटपुट को मशीन फॉर्म से फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब दूसरी कैटेगरी हमारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। अभी हम लोगों ने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी लैपटॉप डेस्कटॉप या मोबाइल के वो सॉफ्टवेयर जो उनको चलाते हैं इन डिवाइसेस को चलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिन पे एज अ एंड यूजर हम लोग काम करते हैं। जैसे आप लोग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का नाम आप लोगों ने सुना होगा जिसपे हम लोग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं अपनी शीट्स बनाते हैं और अपने प्रेजेंटेशंस बनाते हैं तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल में आप व्हाट्सएप चला रहे हैं फेसबुक चला रहे हैं या ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। हम लोग गाना सुनते हैं आप बहुत सारे प्लेयर्स हमारे पास होते हैं तो ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनसे एंड यूज़र डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उससे जो हम एज अ यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते बल्कि सिस्टम इंटरेक्ट करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एज अ यूज़र हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले जो होते हैं वो होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनको जनरल पर्पस एप्लीकेशन भी कहा जाता है क्योंकि इसको कोई भी समान रूप से यूज कर सकता है। जैसे वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड हो गया, स्प्रेडशीट यानी एमएस एक्सेल हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी एमएस एक्सेस या आरडीबीएमएस जो हम लोग यूज करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका सामान्य मतलब सामान्य तरीके से सभी लोग इनको यूज़ करते हैं। हम हैं आप हैं एज अ एंड यूज़र वो हमको हमारे सिस्टम में दिखते हैं। जैसे एंड्रॉयड हम इंस्टॉल जब ऑन करते हैं सिस्टम तो एंड्रॉयड का लोगो बन के आता है लेकिन एंड्रॉयड ओएस को हमने देखा नहीं है लेकिन वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के फीचर्स हमारे सामने होती हैं हम लोग उस पर काम करते हैं। तो ये हमारे बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जितने भी मोबाइल में एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करते हैं वो सब बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद आपका आता है स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको किसी खास मकसद से बनाया जाता है जैसे कि वीडियो प्लेयर्स जो होते हैं उनका काम है कि वो सिर्फ वीडियो को ही प्ले कर सकते हैं। वीडियो एडिटर्स होते हैं वे वीडियो को एडिट कर सकते हैं। या किसी बैंक का हो गया आपका बैंक ने अपना खुद का सॉफ्टवेयर बना रखा है तो वो काम है कि उसका ये काम है कि वो सिर्फ उसी बैंक के स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। बेसिक और स्पेशलाइज्ड में यही अंतर है कि बेसिक एप्लीकेशन हर यूज़र अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। जैसे कि वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो यूज़र चाहे वो उनको आसानी से अपने हिसाब से यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंटेशन को तैयार कर सकता है। लेकिन जो स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें हम लिमिटेड यूज़ के लिए होते हैं कि आपको केवल यही स्पेशलाइज्ड वर्क है आप उसमें वही काम कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि किसी बैंक का एप्लीकेशन किसी बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया या वीडियो एडिटर हो गया या स्पेशल मीडिया ऐप हो गए तो वो सब उसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं। जो एडिटिंग के लिए बना है वो एडिटिंग करेगा, जो केवल लिसनिंग के लिए बना है वो लिसनिंग करेगा। तो ये हमारे थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हमारे हैं वो सिस्टम को मैनेज करने के लिए सिस्टम को चलाने के लिए रेडी करते हैं कि हमारा सिस्टम अब हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चला सकता है। अगर हमारे ओएस में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी आ जाती है तो हमारा कोई भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो काम नहीं करेगा। तो हमारे सिस्टम को चलाने के लिए जो कोर होता है जो मेन सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना समझ लीजिए कि ये आपका यूजलेस है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप चला ही नहीं पाएंगे अगर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते रहते हैं। अभी हम लोग सब कहते हैं डेटा एंट्री करना है, हम डेटा दे रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये हमारे इनपुट्स क्या होते हैं? जो भी एंट्री हम करते हैं सिस्टम को, जो कुछ भी हम देते हैं उसी को हम डेटा कहते हैं। और डेटा हमारा अभी जैसे मैम ने बताया था कि वो नंबर भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, कोई सिंबल भी हो सकता है। डेटा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिविजुअल इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हमने लिख दिया कि 1, 2, 3 या 18 या 17, तो 18 क्या है? 18 किसी की एज भी हो सकती है, 18 किसी का नंबर भी हो सकता है, किसी का हाउस नंबर हो सकता है, स्ट्रीट नंबर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा जो हमारे हैं वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको अभी हमने इनपुट किया, कंप्यूटर ने अभी उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं की है। तो हमारे द्वारा कंप्यूटर को जो भी डाटा एंटर किया जाता है, जो कुछ भी एंट्री की जाती है, चाहे वो हिंदी में कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, चाहे नंबर्स के फॉर्म में कर रहे हैं, वो सभी हमारे डेटा होते हैं।
और ये हमारे किसी भी फॉर्म में हो सकते, जैसे नंबर हो गया, सिंबल हो गया, कैरेक्टर हो गया, स्ट्रिंग हो गया। अब कैरेक्टर और स्ट्रिंग में क्या अंतर है कि हम सिंगल सिंगल जो अल्फाबेट एंटर करते हैं वो तो हमारा कैरेक्टर कहलाता है, लेकिन जब हम इन कैरेक्टर्स के समूह को यानी किसी का नाम हम जब एंटर करते हैं तो उसको कंप्यूटर की भाषा में स्ट्रिंग कहा जाता है, दैट इज ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। और ये सारी डेटा हमारे जो है वो जीरो और वन यानी बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में ही कंप्यूटर में जाते हैं और फिर ट्रांसलेटर्स इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब डेटा के बाद दूसरा हमारा आता है इंफॉर्मेशन। डेटा एंट्री के बाद कंप्यूटर की मेमोरी या जो सीपीयू है उस पर प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट हमारे सामने देते हैं उनको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया आपने कोई डेटा एंटर किया जैसे 18 या 17 या मऊ या बल या कोई भी नाम आपने एंटर किया, तो एज ए इंडिविजुअल वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, लेकिन हम जब उसको लिख देते हैं कि हमने 18 लिया, 19 लिया, 35 लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें ली, राजन लिया, अलग अलग हमने डेटा एंट्री की और उसके बाद हमने एक शीट तैयार कर दी, तो वो शीट जो हमारी होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि टाइम टेबल हो गया, किसी की मेरिट लिस्ट हो गई, आपका रिपोर्ट कार्ड हो गया, जो सैलरी स्लिप या पे स्लिप जनरेट होती है, जो चार्ट्स होते हैं, स्टूडेंट की रिपोर्ट होती है, ये सारे जो होते हैं हमारे इन्फॉर्मेशंस होते हैं। यानी डेटा को जब कंबाइन करके प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को जोड़ के जो सूचना हमारे पास प्रदर्शित होती है उसी को हम बोलते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है। यानी हमने डेटा दिया था और इस डेटा को प्रोसेस करके ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। इन्फॉर्मेशन हमेशा मीनिंगफुल होती है जिससे सामने वाले को समझ में आता है कि अब ये क्या है। इंडिविजुअली डेटा अगर हम रख देते हैं तो हम नहीं समझ पाते कि वो क्या है, लेकिन जब उसी डेटा को एक टेबल के रूप में एक टाइटल दे के, एक हेडिंग्स दे के जब व्यवस्थित कर दिया जाता है तो वो हमारा बन जाता है इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर में थियरीज के बाद हमारे जो डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, तो उनमें कनेक्टिविटी की बात आती है। आप उनको जब बैक एंड पे देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, आउटपुट डिवाइसेस की, पेरिफेरल डिवाइसेस की, तो इनको हमें कंप्यूटर से अटैच करना होता है। तो हम जब कंप्यूटर से अटैच करते हैं तो अटैच करने के लिए हमें डेस्कटॉप में और लैपटॉप में कुछ भाग दिए होते हैं जिन्हें हम पोर्ट कहते हैं। जैसे आप सबसे पहले ये वाला देखिए जो हमारा सीपीयू यहाँ बना हुआ है, सीपीयू का सबसे ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये आपका फैन होता है जो हीट को बाहर करता है, एसएमपीएस यहाँ पे होता है। ये आपका जो पोर्ट है ये पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए होता है, आपको जो पावर केबल मिलती है सीपीयू की आप यहाँ से उसको कनेक्ट करते हो। उसके बाद ये जो दो पोर्ट है ग्रीन और ब्लू कलर के गोल वाले, इसको PS2 पोर्ट कहते हैं। हमारी जो डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड और माउस जो आते हैं, वो कीबोर्ड माउस जो हमारे हैं वो पहले उनकी जो लीड आती थी वो लीड जो होती थी वो गोल होती थी जिसको हम PS2 पोर्ट कहते थे। अभी तो हमारे जो माउस और कीबोर्ड हैं वो आते हैं तो वो USB पोर्ट में आते हैं। ये जो आपका VGA पोर्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, इससे हम लोग अपने CPU से अपने मॉनिटर को कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपका TFT मॉनिटर हो चाहे आपका मॉनिटर किसी भी तरह का मॉनिटर हो, इसके लिए ये आपको मिलता है ये VGA पोर्ट। उसके बाद आपके ये हैं USB पोर्ट जो आपकी कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या आपको आप पेन ड्राइव आपकी आपके सिस्टम में अटैच करनी है तो उसके लिए हम इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे प्रिंटर पहले आते थे तो अभी प्रिंटर USB पोर्ट के आते हैं, पहले पैरेलल पोर्ट के प्रिंटर्स की केबल आती थी निब वाली, उसको कनेक्ट करने के लिए ये पोर्ट आपका इस्तेमाल होता था। और नीचे जो आपका है ये आपका जो पोर्ट है वो कनेक्टिविटी के लिए होता है, अगर आप मॉडम यूज कर रहे हैं और आपको कनेक्शन करना है तो उसके लिए। और ये आपका है ऑडियो जैक, ये दोनों जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं एक इनपुट के लिए होता है, आउटपुट के लिए होता है, अपना माइक और जो हेडफोन्स आप कनेक्ट करते हो वो यहाँ करते हो। और उसके बाद आते हैं कि जो लैपटॉप होता है, ये तो डेस्कटॉप का हो गया, ये जो लैपटॉप होते हैं तो लैपटॉप में भी देखिए ये आपको ऑडियो जैक मिलता है, ये आपका USB होता है, ये आपका USB ड्राइव है, ये आपका जो है ये HDMI पोर्ट होता है, आपके जो HDMI केबल्स होती हैं आप उनको यहाँ कनेक्ट करते हैं। और ये आपका नेटवर्क केबल है जो आपका मॉडम वगैरह आप के थ्रू आप नेट चलाते हैं तो जो आपकी केबल होती है वो यहाँ कनेक्ट करते हैं। ये VGA है, VGA मतलब अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप से
तो उसको कनेक्ट करने के लिए कुछ प्रोजेक्टर्स में VGA पोर्ट होता है, कुछ प्रोजेक्टर्स में HDMI पोर्ट होता है। तो जिन प्रोजेक्टर्स में VGA पोर्ट होता है उस केबल को यहाँ कनेक्ट करना होता है इस पोर्ट में, और अगर HDMI पोर्ट आपके पास है, HDMI केबल है प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए, तो ये HDMI जो पोर्ट है इसमें आप उस केबल को कनेक्ट करेंगे। अभी आगे हम आपको प्रोजेक्टर के बारे में बताएंगे कि उसमें ये जो VGA पोर्ट है, जैसे यहाँ एक VGA पोर्ट है उसी तरह प्रोजेक्टर में भी एक VGA पोर्ट होता है और एक HDMI पोर्ट होता है। तो ये लैपटॉप के हमारे पोर्ट्स हो गए, VGA पोर्ट, नेटवर्क पोर्ट, अगर मॉडेम वगैरह से नेट चलाते हैं उसके लिए ये HDMI पोर्ट, HDMI केबल कनेक्ट करने के लिए, ये USB पोर्ट आपके पेन ड्राइव या जो USB अगर आप एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल माउस लगा रहे हैं, तो उसके लिए अपने USB पोर्ट में लगा सकते हैं, और ये आपके हेडफोन्स के लिए जो ऑडियो जैक होते हैं वो। और ये थे हमारे डेस्कटॉप के पोर्ट्स जो आप कनेक्टिविटी के लिए यूज़ करेंगे। अब आते हैं हमारा प्रोजेक्टर। अभी हम लोग जैसे सब लोग स्मार्ट क्लासेस की बात कर रहे हैं कि हम लोग स्कूल में स्मार्ट क्लास यूज़ कर रहे हैं या हम लोग कक्षा को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। तो अब प्रोजेक्टर, जैसे प्रोजेक्टर तो हमने ले लिया, प्रोजेक्टर हमारे पास है, तो प्रोजेक्टर के बैकएंड पे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि ये आपका HDMI पोर्ट है, ये आपका VGA पोर्ट है। जैसे ये आप क्लोजअप में देखिए, ये HDMI पोर्ट जैसा मैं अभी मैंने लैपटॉप में आपको दिखाया था, और ये आपका VGA पोर्ट है। तो अगर इस प्रोजेक्टर को आप लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं और आपको जो केबल मिली है वो VGA केबल है, तो आप क्या करेंगे कि एक केबल का एक सिरा इस VGA पोर्ट से कनेक्ट होगा और दूसरा सिरा आपके लैपटॉप के VGA पोर्ट में जाएगा, और अगर आपको USB केबल मिली है तो एक सिरा आपके इस USB पोर्ट में आएगा और दूसरा सिरा आपके लैपटॉप के USB पोर्ट में जाएगा। ये जो सेक्शन है ये आपका पावर केबल है जो प्रोजेक्टर को पावर सप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे पोर्ट हैं, और इसमें अगर आपको प्रोजेक्टर में साउंड आपको लेना है स्पीकर में, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोर्ट अवेलेबल होता है। आप यहाँ से एक्सटर्नल स्पीकर को जोड़ के साउंड ले सकते हैं। प्रोजेक्टर में खुद का साउंड आता है, लेकिन अगर आप साउंड की एफिशिएंसी को अच्छा करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे USB पोर्ट्स और प्रोजेक्टर के बहुत सारे ये हमारे पोर्ट्स हैं, ऑडियो जैक है और इनपुट जैक है, HDMI है। तो इन सारे पोर्ट्स की जानकारी आपको रहेगी तो आप अपने प्रोजेक्टर और लैपटॉप्स को एक दूसरे से आसानी से जोड़ सकते हैं। याद रखिएगा ये जो पोर्ट है वो VGA होता है। अगर किसी लैपटॉप में VGA पोर्ट नहीं होता तो अलग से VGA कनेक्टर्स भी आते हैं, आप उनको लगा के अपने VGA पोर्ट्स को आसानी से जोड़ सकते हैं। ये अभी जो हम जोड़ने की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारी केबल्स मिलती हैं। तो वो केबल जैसे हमने बताया था आपको डेस्कटॉप में कि PS2 पोर्ट होता है, ये हमारी PS2 केबल्स हैं। पहले हमारे जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमारे जितने भी डिवाइसेस हमको मिलती थी, कीबोर्ड और माउस, उनके जो लीड्स होते थे वो ये वाले होते थे, PS2 केबल्स होते थे। इनको हम उसी सेक्शन में करते थे। अभी जितने भी कीबोर्ड और माउस आते हैं वो USB केबल में आते हैं। ये जो केबल आप लोग देख रहे हैं ये आपका USB केबल है, और ये आपका VGA केबल जो अभी मैंने बताया, इसके दोनों सिरों पे देखिए आपके VGA पोर्ट ये लगे हुए हैं। और अगर आप इससे, जैसे हम अगर डेस्कटॉप से मॉनिटर को जोड़ रहे हैं तो भी हम VGA केबल के थ्रू ही अपने मॉनिटर को डेस्कटॉप से जोड़ते हैं, और अगर आप प्रोजेक्टर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं लैपटॉप से तो भी हमारा ये VGA पोर्ट ही होता है। आप क्या करेंगे कि एक पोर्ट, एक सिरा जो है आप प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा सिरा आप लैपटॉप से कनेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से आप अपने प्रोजेक्टर को VGA केबल के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये नीचे सभी USB पोर्ट्स के टाइप्स हैं। जैसे ये USB पोर्ट है तो कहीं पे कोई पोर्ट आपको ये ऐसा दिखेगा, कहीं पे ऐसा दिखेगा। ये सारी लीड्स हैं, USB के अलग अलग टाइप्स हैं। तो जब आप कोई डिवाइस खरीदते हो तो उस पर लिखा रहता है कि USB टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, तो उसके हिसाब से, जैसे कि USB टाइप सी है, ये टाइप ए है, ये USB का देखिए माइक्रो USB पिन्स होते हैं। जैसे हम लोग लैपटॉप के वो मोबाइल के चार्जर्स देखते हैं तो वो भी USB होते हैं। उसका एक सिरा जो होता है वो ये वाला होता है, चौड़ा वाला, और दूसरा सिरा जो होता है वो ये पतला वाला होता है। तो ये सब USB के टाइप्स हैं, और जितनी भी डिवाइसेस आजकल हम लोग यूज़ करते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली सब में जो हमारे केबल्स होते हैं दे आर USB केबल्स। अब लेकिन जो प्रोजेक्टर्स करंट में आ रहे हैं वो भी HDMI और VGA और USB सभी केबल्स के साथ आते हैं। ये वाले जो केबल्स हैं ये अब बहुत कम हो गए हैं, मतलब पहले ये हमारे डेस्कटॉप PCs को कनेक्ट करने के लिए आते थे, अब ये पोर्ट तो होते ही नहीं है लैपटॉप में, तो होते ही नहीं है। जो हमारे आप डेस्कटॉप के CPUs खरीदेंगे उसमें ये पोर्ट आपके अवेलेबल होते हैं। तो जो पोर्ट्स अभी प्रीवियसली आपने देखे हैं, जैसे ये पोर्ट्स हो गए, प्रोजेक्टर का पोर्ट हो गया, और ये केबल्स हो गई, तो
तो उन पोर्ट्स के कनेक्टिविटी के लिए आप इन सारी केबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन केबल्स के इस्तेमाल से आप एक सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ लैपटॉप में ये वाला पोर्ट नहीं होता है आपका, जो ये VGA पोर्ट है, तो एक केबल कनेक्टर आता है एडिशनल, जिसको हम लोग कहते हैं VGA कनेक्टर। उसमें एक सिरा USB होता है और दूसरा सिरा VGA पोर्ट वाला होता है, जिसमें आप अपनी VGA केबल को ऐड कर सकते हैं। जैसे ये एक छोटी सी वीडियो है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो CPU है, उसमें सबसे पहले हमने क्या किया, पावर सप्लाई को कनेक्ट किया। ये हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसको पावर सप्लाई देते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई देने का, अब ये देखिए जो ये हाथ में लिए हुए हैं, ये हमारा क्या है, ये VGA केबल है। अब ये VGA केबल का एक सिरा देखिए यहाँ जा रहा है, और दूसरा सिरा आपका जाएगा आपके स्क्रीन पे। VGA पोर्ट जो होता है उससे इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हो गई कनेक्टिविटी। उसके बाद देखिए, इसमें हमने आपको दिखाया है PS2 पोर्ट, क्योंकि जनरली USB पोर्ट्स तो सभी जगह मिल रहे हैं, PS2 पोर्ट्स नहीं मिलते हैं। तो एक पोर्ट जो है वो कीबोर्ड के लिए और एक पोर्ट जो है वो माउस के लिए है। तो ये PS2 पोर्ट्स को आप इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये उनकी लीड्स हैं PS2 की, जो कि अब नहीं आती हैं, अभी तो USB पोर्ट्स ही मिलते हैं आपको। अब ये हो गई आपकी कनेक्टिविटी। अब इसके बाद जो ये हाथ से दिखा रहे हैं, ये हमारा प्रिंटर का पोर्ट होता है, जो प्रिंटर पहले USB नहीं आते थे तो उसमें जोड़ते थे, और ये हमारे नीचे के USB पोर्ट्स हैं। तो उसमें USB लगाना होता है, तो हम इसमें USB पोर्ट लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी लैपटॉप में दिखाया था आपको डाटा केबल के लिए, तो उसमें ये है आपका कि मॉडम अगर है तो आप RJ45 कनेक्टर जो नेटवर्क का होता है, देखिए ये लगा के दिखा रहे, आप ये इसमें लगा सकते हैं। जो RJ45 कनेक्टर होता है वो हमारा मॉडम की केबल होती है, जो नेट चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो ब्रॉडबैंड्स होते हैं हमारे। ये देखिए आपके सिस्टम, ये जो ओपन कैबिनेट आपको दिख रहा है CPU, ये आपका CPU है, और ये जो कनेक्शन के बाद, कनेक्टिविटी के बाद, ये देखिए आपका सिस्टम स्टार्ट। तो जितने भी पोर्ट्स आपको बताए गए हैं, जितने भी पोर्ट्स आपने देखे, उसके बारे में अगर आपको, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आपका कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। और ये सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको अभी भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप अभी पूछ सकते हैं, हम लोग आपके सेशंस को हैंडल करेंगे। ओवर टू यू निशा मैम। हेलो निशा मैम, आर यू हियर? अंकित सर, आर यू देयर? हेलो, इफ देयर इज एनी क्वेरी निशा मैम, देन अनिता मैम, देन प्लीज टेल मी, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। How will we generate student IDs and password? ये आई थिंक कल MS Team का सेशन था, उसकी क्वेरी है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको अपने स्टूडेंट्स की आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है, तो पहले आपको एमएस टीम पे एक ऑर्गेनाइजेशनल आईडी अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप अपने स्टूडेंट्स और की आईडी और पासवर्ड जनरेट कर पाएंगे। SSP कोई क्वेरी और नहीं दिख रही है मुझे। निशा मैम, एक